203 मुकाबला एस मानजोर जो कि जेएनके की मुक्केबाज हैं, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज हैं और वहीं उनको चुनौती दे रही हैं। है कश्मीर की 21 साल की होनहार युवती, 21 साल की होनहार कश्मीरी लड़की जो है उसने इतिहास रचा है। पहली ऐसी कश्मीरी जंग फीमेल बनी है जिन्होंने सीनियर नेशनल बॉक्सिंग जो है उसमें भाग लिया है। ये उनके लिए फख्र की बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कश्मीरी लड़की ने सीनियर नेशनल बॉक्सिंग में हिस्सा लिया जो भोपाल में हुआ और वहां पर हालांकि वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। जम्मू कश्मीर के बेटों ने अगर अपना जोहर दिखाया आईपीएल में, 5 जम्मू कश्मीर के होनहार युवा जो हैं उन्हें मौका मिलेगा इस बार आईपीएल में अपना जोहर दिखाने का, तो बात लड़कियों को भी करेंगे और लड़कियां जम्मू कश्मीर की भी किसी से कम नहीं है। मैं एग्जांपल आपके सामने रखने जा रहा हूं कश्मीर से है। कश्मीर की 21 साल की होनहार युवती, 21 साल की होनहार कश्मीरी लड़की जो है उसने इतिहास रचा है। पहली ऐसी कश्मीरी जंग फीमेल बनी है जिन्होंने सीनियर नेशनल बॉक्सिंग जो है उसमें भाग लिया है। ये उनके लिए फख्र की बात है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कश्मीरी लड़की ने सीनियर नेशनल बॉक्सिंग में हिस्सा लिया जो भोपाल में हुआ और वहां पर हालांकि वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे, वहां पर उन्हें हार का सामना जरूर करना पड़ा। लेकिन ये बात भूलिएगा मत कि इस लड़की ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए था इसको, अकेडमी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसको प्रोवाइड करना चाहिए था गवर्नमेंट ने वो नहीं करवाया गया, बल्कि इसने अपने पैसों से अपनी किट ली, चाहे बॉक्सिंग ग्लव्स थे ताकि वो हर एक चीज़ थी, इन्होंने अब खुद के पैसे से लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और अपने हुनर को तराशा और कहाँ पहुंची, सीनियर नेशनल बॉक्सिंग खेलने के लिए यहाँ क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। ये भी गर्व की बात है। अपने दिए गए इंटरव्यू में जो जंग फीमेल बॉक्सर जिनका नाम बताना चाहूंगा आपको, ये बिलोंग करती हैं साउथ कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से और ये पहली कश्मीरी वुमेन बन गई हैं जिन्होंने सीनियर नेशनल फाइट जो है वो लड़ी है, ये भोपाल में हुई। इनका नाम शारिया मंजूर है, 21 साल की हैं, ये नेहामा विलेज काकापोरा की रहने वाली हैं और ये बैचलर्स कर रही हैं अपनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुलवामा के अंदर और ये प्री क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची। यहां पर इन्हें हार का सामना जरूर करना पड़ा लेकिन हार कर भी इन्होंने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। ये मिसाल बन गई उन लाखों लड़कियों के लिए जो जम्मू कश्मीर के अंदर रहकर सपने देखती हैं ऊंची उड़ान भरने का। इन्होंने सबके जो सपने थे उनको पंख दे दिए हैं। अब इनकी तरह हर कोई शारिया मंजूर बनना चाहता है, हर कोई शारिया मंजूर को फॉलो करना चाहता है। बॉक्सिंग एक ओलंपिक गेम है और बड़ा रेयरली लगता दिखता है कि कश्मीरी कोई जो है उसमें पार्टिसिपेट करे और सीनियर नेशनल तक पहुंचे, लेकिन शारिया मंजूर जो हैं इन्होंने इतिहास रचा है और ये एक इनके लिए बड़ी बात है। इसके साथ इन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि अगर मुझे अच्छा करना होता तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए था जो कि कश्मीर में नहीं दिया जाता। जो प्लेयर्स रहते हैं उन्हें खुद की आइटम्स खुद खरीदनी पड़ती हैं और प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। इन्होंने भी अपने बॉक्सिंग ग्लव्स जो थे वो खुद लिए, बॉक्सिंग जो किट रहती है वो खुद से डेवलप करी। इन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे प्री क्वार्टर्स तक पहुँचना था ये भी मेरे लिए एक बहुत बहादुरी की बात है, जो मैंने टेक्निक सीखी, जो मुझे सराहा गया उसके लिए। और ये भी कहा कि मैंने जो था हिजाब पहनकर जो फाइट लड़ी उसके लिए भी मुझे जो था मुझे सराहा और मुझे प्रेज जो थी मुझे मिली। और ये भी कहा कि मैं पहली वुमेन बनी हूँ जो प्री क्वार्टर्स तक पहुंची हूँ नेशनल चैंपियनशिप की, अगर बात करूँ मेरे लिए छोटी बात नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आगे भी अगर मुझे इस तरीके का मौका मिला तो मैं अपने पंख जो है अपना हुनर जो है आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी और एक ऊंची उड़ान जरूर भरूंगी। इन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी वुमेन जो है उनके पास बहुत टैलेंट है, वो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत करिश्मे कर सकती हैं, लेकिन अगर उन्हें सही जो है वो सपोर्ट मिले उनके सपनों को पंख तभी मिलेंगे जब आप लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो ये तमाम वो चीज़ें जो तस्वीरें जो वीडियो आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस समय देखा ये शारिया मंजूर का है जो महज 21 साल की हैं और आज हर कोई कश्मीरी इन पर प्राउड कर रहा है, ना सिर्फ कश्मीरी बल्कि तमाम जम्मू कश्मीर के निवासी, क्योंकि इन्होंने हम सबका सर जो है वो फख्र से ऊंचा किया है। हम सबको शारिया मंजूर पर नाज है। कश्मीर की बेटी को प्यार दीजिए, वीडियो शेयर करें ताकि शारिया मंजूर जैसी जम्मू कश्मीर की और बेटियां भी उन्हें फॉलो करें, उनकी तरह अपने सपनों को पंख लगाएं और ऊंची उड़ान भरें। शारिया मंजूर और उनके पूरे परिवार को हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं उनके आने वाले भविष्य के लिए। के साथ शुभम लंगे बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।